लोकसभा चुनाव से पहले दौर बयानबाजी का चल रहा है। हर दल एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहा है और अपनी अपनी सियासत को चमकाने के लिए सवाल खड़े कर रहा है। बयानबाजी में नाम अब मेनका गांधी का शामिल हो गया है, जिन्होंने राहुल गांधी को शेख चिल्ली कह दिया और कहा कि 72,000 देने का उनका सपना सपना ही रह जाएगा, उनको मौका भी नहीं मिलेगा। सुनिए मेनका गांधी ने क्या कहा। ज्यादातर शेख चिल्ली, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि सपना बनाना, सपना दिखाना कांग्रेस कितने सालों से कर रही है। जब मैं कितने दफा मंत्री बनी और मुझे मालूम है कि जी जान लगा करके हम लोगों ने काम किया है, जितना अच्छा कर सकते थे किया और इससे भी अच्छा करेंगे। लेकिन ये जो शेख चिल्ली सुनना ना, बाहर बैठे हो तो बस मन में आ गया है क्या मुंगेरी लाल के सपने देख देख करके कि इधर 72,000 देंगे और उधर 10,00,000 देंगे, अब उनको मौका भी नहीं मिलेगा। मेनका गांधी जो पीलीभीत से सांसद रही हैं, लेकिन इस बार वो बेटे वरुण गांधी की सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। साथ ही वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी के चलते मां बेटों की सीट में बदलाव किया गया है। अपने चुनावी प्रचार के दौरान राहुल गांधी पर मेनका गांधी ने जो तंज कसा, उसका असर अब आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा, वो दिलचस्प होगा। विशेष संवाददाता अर्पित जैन की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।